हाय, आई एम प्रशांत फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स, और आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी में हम डिटेल में पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पीई ऑफ एन इवेंट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉइन एंड प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डाई। तो इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने से पहले हम कुछ वार्म अप क्वेश्चंस करेंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने इन वार्म अप क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा, मैं इनके आंसर्स यहाँ पे लिख दिया हूँ। नेम द फेसेस ऑफ अ कॉइन, तो हेड एंड टेल होता है। हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ क्यूब, तो आप देख सकते हैं कि एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। और यहाँ पे फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप देख सकते हैं कि 3/36 है, इसको 1/12 कर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कैसे हुआ है। और अब हम चलते हैं, देखते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी में और क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी के बारे में समझेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी चीज़ के होने की चांस को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और ये एक ऐसा मैथ्स का टॉपिक है जिस पर आज भी रिसर्च हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बारे में लिखा है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पीई, जिसे हम पीई से दर्शाते हैं, ऑफ एन इवेंट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच स्पेसिफिक इवेंट अकर्स टू द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। यानी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम सिक्का उछालते हैं। आप क्रिकेट मैच में देखे होंगे कि टॉस होता है, तो जब हम सिक्का उछालते हैं तो दो रिजल्ट आ सकता है, तो दो टोटल रिजल्ट है और उनमें से कोई एक ही रिजल्ट मिलेगा, इसलिए नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स में 1 आएगा। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किसी चीज़ के होने की चांस क्या है, इसलिए हम प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला है नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कुछ और, एक क्वेश्चन से इसे समझेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है, कमला शफल्ड 20 टिकट्स नंबर 1 to 20। शी पिक्ड अ टिकट एट रैंडम। What was the probability that the ticket drawn was a multiple of 3 or 5? तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 20 टिकट हैं, 1 से 20 तक नंबरिंग हुआ है। यहाँ पे सैम्पल स्पेस है जिसे हम S से दिखाते हैं करली ब्रैकेट्स में, 1, 2, 3, 4 ऐसा करते हुए 20 तक टिकट है। यानी हमारा जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल है वो 20 है। और जो क्वेश्चन में पूछा है, यानी हमारे इवेंट कौन से इवेंट अकर होने की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें कंडीशन दिया हुआ है कि जो टिकट निकलना चाहिए वो टिकट मल्टीपल ऑफ 3 और 5 होना चाहिए, यानी वो नंबर 3 और 5 के टाइम टेबल में आना चाहिए। तो 3 के टाइम टेबल में वो नंबर जो 1 से 20 के बीच में होते हैं वो है 3, 6, 9, 12, 15, 18। उसके बाद 21 आ जाता है जो कि 20 से ज़्यादा है, इसलिए हम उसे नहीं इंक्लूड करेंगे। फिर 5 के मल्टीपल को देखेंगे तो 5, 10, 15 जो कि हम 3 वाले में ले चुके थे वो पहले से लिखा हुआ है, और फिर 20, तो टोटल 9 सक्सेसफुल ट्रायल्स हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो जैसा कि पहले फॉर्मूला डिस्कस किए थे, नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स यानी 9 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 20, तो हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया 9/20। इसे हम सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 9/20 ही आंसर होगा। तो चलिए अब हम आगे कुछ और पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो जैसा कि मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था कॉइन का क्रिकेट मैच में, तो आप देख सकते हैं कि जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो दो रिजल्ट आ सकता है, एक होता है हेड और एक होता है टेल। और डाई, यानी जो हम लूडो एक गेम खेलते हैं उसमें जो डाई हम फेंकते हैं वो एक क्यूब होता है जिसके 6 फेसेस होते हैं, यानी 6 रिजल्ट आ सकता है उसका। तो टोटल सैम्पल स्पेस है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे। आप देख सकते हैं कि एक डाइस की सैंपल स्पेस क्या है, एक फेस पे 1 होता है, दूसरे पे 2, 3, 4, 5 और 6। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ऑन टॉसिंग अ डाई द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर। तो आप देख सकते हैं कि इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं वो हैं 6, क्योंकि जब हम एक डाई को टॉस करेंगे तो हमारा टोटल रिजल्ट सिर्फ 6 आ सकता है। और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि व्हेन अ क्यूबिकल डाई इज रोल्ड फाइंड
द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन इंटीजर. तो जैसा कि आप जानते होंगे कि इवन इंटीजर का मतलब होता है कि इवन नंबर्स. तो इवन नंबर्स यहाँ पे जो है, अब इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन इस डाई में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं. तो हम इवन देखेंगे, यानी 2, 4 और 6, यानी 3 इवन नंबर हैं जो कि हमारा सक्सेसफुल ट्रायल्स होगा 3. और जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, वो हैं 6. तो यानी इवन इंटीजर के लिए होगा 3/6, जिसे हम सिंप्लीफाई करके 1/2 भी लिख सकते हैं. सिंप्लीफाई करने के लिए हमें 3 को 3 से डिवाइड करना होगा तो 1 मिलेगा, और 6 को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो हमें 2 मिलेगा. तो हमारा आंसर हुआ 1/2. अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस टाइम के क्वेश्चंस हैं जिसे आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं. यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं डाइस और कॉइन्स पे, और कुछ बॉल्स पे भी हैं. तो इनके आंसर्स भी लास्ट में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं. यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं. और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ विजिट जस्ट ट्यूटर्स.